इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कभी भी आप एक नया जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं बनाते हैं, तो आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के तुरंत बाद कौन कौन सी सेटिंग अपने अकाउंट में कर लेनी चाहिए जिससे कि आपका जीमेल अकाउंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, इन फ्यूचर कभी भी हैक ना हो। दोस्त अक्सर क्या होता है, काफी सारे यूजर्स जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जल्दबाजी में अपने फोन में लॉगिन करने के लिए, लेकिन उस जीमेल अकाउंट में सिक्योरिटी सेटिंग नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है उनका जीमेल अकाउंट कोई भी आसानी से हैक कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। अब ऐसे में अगर आप अपना जीमेल अकाउंट अपने डिवाइस में लॉगिन करके रखे हुए हैं या फिर कई जगहों पर आपने सेम जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, मतलब अकाउंट बना रखा है कई जगहों पर, तो ऐसे में हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक सोशल मीडिया ऐप या अकाउंट वगैरह आपका हैक हो जाता है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, कुछ सेटिंग बताऊंगा जो आपको अपने जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुरंत के तुरंत कर लेना चाहिए, इससे आपका अकाउंट और फोन दोनों ही हैक होने से बचा रहेगा, कभी भी हैक नहीं होगा। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको जीमेल अकाउंट में सारे सिक्योरिटी सेटिंग्स को करने का बहुत ही आसान यानी सिंपल तरीका बताऊंगा, सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और आप भी अपने जीमेल अकाउंट में इन सारे सेटिंग्स को अभी के अभी कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिए। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा, यहां पर देखिए आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी मोबाइल फोन में जितने भी ईमेल आईडी यानी अगर मल्टीपल ईमेल आईडी लॉगिन हो रखे हैं तो आपको सारे के सारे ईमेल आईडी दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपने सिंगल अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो फिर सिंगल अकाउंट का ही यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे फोन में दो ईमेल आईडी है जिसको मैंने सिक्योरिटी पर्पज से ब्लर कर रखा है। अब यहाँ पर जिस भी ईमेल आईडी में आप अपना सिक्योरिटी सेटिंग करना चाहते हैं, मतलब नया ईमेल आईडी आपने बनाया होगा उसी ईमेल आईडी में तो आप सिक्योरिटी सेटिंग करेंगे, तो आप सबसे पहले उस पर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ, प्रोफाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद उस ईमेल आईडी पर क्लिक करना है जिसमें आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अगेन आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा गूगल अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आपका जीमेल अकाउंट शो करेगा, आपको यहाँ पर नीचे में कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, ये सारा ऑप्शन दिखेगा। जो जरूरी सेटिंग्स है उसको आप कर लीजिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है सिक्योरिटी टिप्स फाउंड इन द सिक्योरिटी चेकअप, जो राइट का साइन लगा हुआ है। अभी तक तो मेरा जीमेल अकाउंट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेटिंग्स अभी आपको करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है टू स्टेप वेरिफिकेशन, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए जब भी आप कोई भी ईमेल आईडी बनाए यानी जीमेल अकाउंट क्रिएट करे तो उसमें तुरंत के तुरंत टू स्टेप वेरिफिकेशन बनाने के तुरंत बाद कर लें, मतलब इस सेटिंग को ऑन कर लें। अब इसको ऑन कैसे किया जाता है इसका प्रोसेस समझ लीजिए और इससे फायदा क्या होगा इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको थंब वेरीफाई कर लेना है या पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है, यहाँ पर नीचे आ जाइए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन, आप सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टर्निंग ऑन हो रहा है और ये हो भी जाएगा, ठीक है ना, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब आपको डन कर देना है। डन करने के बाद देखिए आपको मेल भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, और यहाँ पर बैक आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो है आपके अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन 4:38 पर इनेबल हो चुका है, ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा। अब इससे फायदा क्या होगा इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट कहीं खो जाता है, मीन्स आप किसी के साथ शेयर कर देते हैं या फिर किसी को पता चल जाता है आपके जीमेल अकाउंट के बारे में, यहाँ तक कि आपका जीमेल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो भी किसी दूसरे को पता चल जाता है। अब ऐसे में कोई भी पर्सन चाहेगा तो आपका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड डाल करके अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर पाएगा और आपके जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट का पूरा जो एक्सेस है अगले पर्सन के पास चला जाएगा और जो भी आप उस जीमेल अकाउंट से करेंगे उसको पता चलेगा, या आपके जीमेल अकाउंट पर जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो सब कुछ
वह पर्सन देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। अगर आप इसी जीमेल अकाउंट पर चैट बैकअप भी करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका सारा चैट भी वो रीड कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको सिंपल 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपका जीमेल अकाउंट और लॉगिन पासवर्ड किसी को पता चल भी जाता है तो उस सिचुएशन में भी जब तक आप उसे ओटीपी नहीं बता देते तब तक वह आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर लॉगिन करने की कोशिश भी करता है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जब तक उस ओटीपी को शेयर नहीं कर देते अगली पर्सन के साथ तब तक वह आपका जीमेल अकाउंट अपने फोन में अपने डिवाइस में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जीमेल अकाउंट की, आप अभी के अभी कर लीजिए। अगर आप नहीं समझे हैं तो दोबारा से वीडियो को रिमाइंड कर दीजिए, पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड सेटिंग की। उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो है पासकीज एंड सिक्योरिटी कीज, इस पर आप क्लिक कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप अपने जीमेल अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहेंगे तो आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विद पासकीज यू कैन सिक्योरली साइन इन टू योर गूगल अकाउंट यूजिंग जस्ट योर फिंगरप्रिंट फेस स्क्रीन लॉक और सिक्योरिटी की। मतलब कि आप अपने जीमेल अकाउंट को अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट फेस या स्क्रीन लॉक के माध्यम से सिक्योरली लॉगिन कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्रिएट ए पास की पर क्लिक कर दीजिए। वैसे ऑलरेडी मैंने पास की बना रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट ए पास की पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बताया गया है क्रिएट पास की ऑन योर डिवाइस और यू कैन क्रिएट ए पास की ऑन योर सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो इसलिए मैंने फिंगर से ही अपना जो डिवाइस में लॉगिन कर लिया जीमेल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ पर यूज पास की पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यू कैन नाउ यूज योर पास की टू साइन इन, अब आपको डन कर देना है। तो इस ऑप्शन को जरूर से जरूर यूज कीजिएगा सेटिंग को, क्योंकि इससे आप बहुत ही ज्यादा अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर रख पाएंगे। अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए वन पास की आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको भी करना है जो नीचे आना है आपको। यहाँ पर देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका इनेबल हो जाएगा और रिकवरी फोन भी आप इस पर क्लिक करके इसमें रिकवरी फोन नंबर डाल दीजिए। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, यहाँ पर आप डाल दीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपका जीमेल अकाउंट कभी कोई हैक कर लेता है या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी ये काम आता है, तो आप इसको जरूर से जरूर इनेबल कर लें। उसके बाद बात करते हैं रिकवरी ईमेल, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एक रिकवरी ईमेल डाल दीजिए। यहाँ पर ये बताया गया है योर रिकवरी ईमेल इज यूज्ड टू रीच यू इन केस वी डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी इन योर अकाउंट और यू एक्सीडेंटली गेट लॉक आउट। मतलब कि गूगल का कहना यह है कि अगर आप यहाँ पर कोई रिकवरी ईमेल डाल देते हैं, इन फ्यूचर मान लीजिए अगर आपके जीमेल अकाउंट पर कोई इलीगल यानी अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिलता है या फिर आपका अकाउंट किसी भी रीजन में लॉक कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपके इसी रिकवरी ईमेल के माध्यम से आपसे मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। या फिर आपका जीमेल अकाउंट कोई हैक कर लेता है तो रिकवरी ईमेल की हेल्प से भी आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी एक रिकवरी ईमेल आईडी दूसरा ईमेल आईडी डाल दीजिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिकवरी ईमेल डाल दिया है और वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा यानी वन टाइम पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को आप यहां पर इस बॉक्स में डाल करके और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे देखिए रिकवरी ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा और यहां पर मैं आपको बैक करके दिखाता हूं, कैंसिल। यहां पर देखिए रिकवरी ईमेल भी ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप अपना जीमेल अकाउंट बनाए तो तुरंत के तुरंत ये सारे सेटिंग्स को अपने ईमेल आईडी में जरूर कर लें, इससे आपका जीमेल सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। और अगर आप गलती करते हैं खुद से तब तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है तब आपका जीमेल अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, हैक नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं अगर आपको अभी तक अपने फोन में जीमेल अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आप घर बैठे ही खुद से अपना जीमेल अकाउंट बना पाए। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने जीमेल अकाउंट में सारे सिक्योरिटी सेटिंग को कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या फिर अगर आपको जीमेल अकाउंट में सिक्योरिटी सेटिंग को करने में कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए।